ओके बेटा, ये आपका लास्ट वीडियो है सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद मैम आपको वर्कशीट देगी। हमने कल पढ़ा था, अपन पढ़े थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या हमें क्या क्या फ्रीडम दी गई है, इस बारे में हम लोग पढ़े थे तो पूरे चैप्टर में। अब आता है कि हमने, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने हर बार मानव अधिकार के बारे में बात करी है, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी होना। चाहे वो कोई इंसान किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म किसी भी जगह पर हुआ हो हमारे देश में कहीं पर, उसके साथ हमेशा इक्वालिटी मेंटेन करिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मानव अधिकार में आता है। अगर आप देखते हो कहीं पे किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके रंग के बेसिस पे, उसके धर्म के बेसिस पे, उसकी जाति के बेसिस पे, तो वो इंसान उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, कि हर इंसान को एक जैसा अधिकार प्राप्त है हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है जिसमें से मैंने आपको सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस राइट का मतलब क्या होता है। आप डिटेल में अपनी बुक्स में से पढ़ सकते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 1922 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम के ऊपर लिखा गया है कि राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हमें हर चीज़ करने की आज़ादी है। चाहे वो हम कोई भी, हम अपनी बात आज़ादी से कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के डर में रहकर देश में रह रहे हैं या हम किसी बात बोलने का अधिकार नहीं रखते। हम जो चाहें वो अपने एक्सप्रेशन रख सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, अपने थॉट्स रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने जैसे चाहे अपने इलेक्शन में वोट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसको देना है, ऐसे कोई पर्टिकुलर देना है। इवन हमारे देश में एजुकेशन लेने की भी पूरी आज़ादी है। जो बच्चा जहाँ चाहे जिस स्कूल में चाहे एडमिशन ले सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकता है। इवन गवर्नमेंट ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन भी फ्री करी हुई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1922 में आता है। अगर आपको कोई रोकता है कि आप इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, इस स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, गरीब बच्चे नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू फ्रीडम। आप जब चाहो मंदिर में जा सकते हो, जिस भी मंदिर में जाओ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। आप मस्जिद घर में जा सकते हो, आप चर्च में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी धर्म के लोग वहाँ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ चाहे उसको जाने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। लेकिन आपको हर जगह जाकर उस चीज़ की इज्जत जरूर करनी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 में, इन दो में आर्टिकल जो 23 और 24 दिया गया है, इसमें प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं, प्रोहिबिट का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ पर रोक लगाना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप इंसानों को की तस्करी नहीं कर सकते, इंसानों को बेचना नहीं कर सकते। जैसे होता है कई बार छोटे बच्चों को किडनैप कर देते और आगे बेच देते हैं। चाइल्ड लेबर, आप उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते छोटे बच्चों से। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आप कहीं पर जाकर काम करो। जो छोटे छोटे बच्चे घरों में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेन की जाती है तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। क्यों? क्योंकि इतने छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन करे, ठीक है। उन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाए घरों में ही हुआ, तो ये भी एक राइट आता है। अगर आपका कोई आपके मानव अधिकार को वायलेट करता है या आपको कोई शोषण करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश में आर्टिकल 25 और 28 में दिया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मजबूर, हमारे पास जबरदस्ती की जाती है आपने इसी धर्म को मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस धर्म में पैदा होता है या जो जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है उसको फॉलो कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हम जिस जहाँ चाहे वहाँ एजुकेशन ले सकते हैं। जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। जिस कल्चर को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। जिस कस्टम को मानना चाहे मान सकते हैं। जिन रीति रिवाज को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज़ की मनाही है, हम जिसे चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे मानव अधिकार में आता है और अगर हमें इसके लिए कोई रोकता है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके किसी भी मानव अधिकार को कोई वॉयलेट करता है, आपके साथ अन्याय करता है, इनजस्टिस करता है, तो या फिर आपके इनमें से किसी भी राइट को वॉयलेशन करता है, यानी कि आपका शोषण करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लेन कर सकते हो। उसके अगेंस्ट रेमेडीज भी दी गई है कि अगर कोई आपका ऐसे शोषण करता है तो उसमें गवर्नमेंट आपको क्या कंपनसेशन करेगी, क्या क्या रेमेडीज आपको दी जाएगी, यानी कि बेनिफिट्स या आपको क्या सॉल्यूशन दिए जाएंगे। एक होता है बेटा, ये तो हो गए सिटीजन्स को जो अधिकार दिए गए, मानव अधिकार। अब आता है मानव ड्यूटीज़, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट अधिकार दे रही है तो आपको कुछ कर्म भी तो करने पड़ेंगे। जैसे पेरेंट्स आपके लिए चीज़ें लाते हैं तो आपको उसके बदले में क्या अर्न करना होता है? कि आप अच्छे से पढ़ो, उनकी बात मानो, उनसे आर्ग्यू मत करो, उनसे बदतमीजी मत करो, है ना। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जब आपको राइट्स दिए हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं आर्टिकल 51A पार्ट 4A में, कि आपको ये ड्यूटी हर सिटीजन को निभानी है। कौन कौन सी? रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाया उसको फॉलो करना। ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है
कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर चलना, तो आप नहीं हम तो जिद करके राइट हैंड साइड पर चलेंगे, तो वो क्या है, वो गलत बात है। अगर गवर्नमेंट ने बताया कि ट्रैफिक रूल में आपको इस समय रुकना है, रेड लाइट को देख के ग्रीन लाइट को देख के चलना, तो आपको उसको मानना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि आपने लोगों के साथ शोषण नहीं करना और किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी, चाहे वो रंग गोरे रंग का हो, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी जाति से, तो आपको उसको इज्जत करनी है, ठीक है। तो चाइल्ड शुड फॉलो द नोबल आइडियल्स, आपके फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने स्ट्रगल करा आपकी आज़ादी के लिए, उनको आपने हमेशा फॉलो करना है, अपने आइडल्स को, उन्होंने जो चीज़ें कही है उनको मानना है और उनके ऊपर चलना है। टू प्रोटेस्ट यूनिटी ऑफ इंडिया, अगर प्रोटेक्ट यूनिटी ऑफ इंडिया, अगर कभी ऐसा समय आए कि आपके देश की आज़ादी के लिए आपको खड़ा होना पड़े, तो आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होना है, किसकी ड्यूटी है, सिटीजन्स की ड्यूटी है, यानी कि देश के नागरिकों की ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को हमेशा डिफेंड करना है, आपको भी किसी डिबेट में या फिर कहीं पर भी आपका आपकी कंट्री के रिगार्डिंग कोई टॉपिक होता है या आपको लगता है कि आपकी कंट्री के अगेंस्ट उसमें बोल जाए, तो आपने हमेशा अपनी कंट्री को क्या करना है, डिफेंड करना है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, डिफेंड का मतलब होता है अपनी कंट्री के लिए खड़ा होना। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदर, कॉमन ब्रदरहुड, हमेशा अपने देश की हार्मनी को प्रमोट करना है, देश की के अंदर जो भाईचारा है इसको प्रमोट करना है, एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, और ये जो लोगों के अंदर भाईचारा है, कॉमनहुड है, कि हम सब एक साथ रह रहे हैं, हम कितने सारे डाइवर्स हैं, कितने विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ रहे, तो हमने इसको हमेशा प्रमोट करना है और भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहना है। अब उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट ड्यूटी है बेटा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व ऑन हेरिटेज, अपने हेरिटेज को, अपने जो आपके जो आपकी जो एनवायरनमेंट में भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी है, आपने उसको प्रिजर्व करके रखना है, अपनी रिसोर्सेज को अभी के लिए भी वैल्यू करना है, अच्छे से यूज़ करना है और आगे प्रिजर्व करके रखना है, आने वाली जो जनरेशन है उसको के लिए बचा के रखना है। जैसे पानी को हम बोलते हैं ना, वेस्ट मत करो, बचा के रखो, क्यों, जिससे आने वाले समय में जो जनरेशन आ रही है उनको पानी दिया जा सके। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरमेंट, आपने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल एनवायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जैसे जानवरों को नहीं मारना है, ठीक है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। मैंने पहले भी क्लास 7th और 8th को ये बात बोली थी कि हमेशा अपने घरों में एक एक पेड़ लगाइए। अगर सोचे आप क्लास में 16 बच्चों सबने एक एक पेड़ लगाया, तो कितने पेड़ लग गए, 16, और सबने दो दो लगाए तो 32, आप सोच सकते हो किस तरह से नंबर्स बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये आप नागरिकों की ड्यूटी है जो आपने अपने देश में करनी है। अपनी नदियों में गंदगी नहीं फेंकनी है, अपनी सड़कें गंदी नहीं करनी है, ठीक है, और रिवर्स को साफ रखना है, अपने जो जानवर है उनको मारना नहीं है, उनको बचा के रखना है, ठीक है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने जो आपके लिए प्रॉपर्टी बनवाई है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं और गुरुद्वारास हैं, मस्जिद है, ठीक है, मॉस्क्यू हो गए आपके, और चर्च हो गए, और आपके पार्क हो गए, ये जो गवर्नमेंट ने आपके लिए बेटा, जो गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो अवेलेबल करवाई है, जो चीज़ें लोगों के लिए बनवाई है, पब्लिक बसेस होगी, ट्रेन्स होगी, इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, इनके साथ हमें इनको परेशान नहीं करना है, इनके साथ अपना पार्क में जाके गंदगी नहीं मचानी है, ठीक है, रिवर्स को गंदा नहीं करना है, रोड्स बनाते रोड्स को ख़राब नहीं करना है, ठीक है, इनको क्या करना है, सेफ, इनको बचा के रखना है, अपनी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जैसे लोग कहते हैं ना, जब वो होती है आपके, जैसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे लड़ाई होगी, तो लोग क्या करते हैं, बसेस में आग लगाना, रोड्स पे आग लगाना, दुकानों में आग लगाना, तो ये काम हम लोगों को नहीं करना है। 86 अमेंडमेंट एक्ट पास जब 2002 में हुआ, तो उसमें ये कहा गया था कि सारे इंडिविजुअल्स जितने भी लोग हैं देश के, जब देश को ज़रूरत पड़े, जब भी किसी तरफ के लिए काम करने की ज़रूरत पड़े, तो हर इंसान उसमें साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब जैसे आपको कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें कंट्री सबको बोल रही है कि मास्क पहन के चलो, है ना, सैनिटाइजर्स यूज़ करो, तो ये क्या है, कैसी आपदा है जिसमें पूरी कंट्री को यूनाइट होकर इससे लड़ना है, ठीक है, तो वो इसमें आता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर हो जाता है डियर। अब आपकी वर्कशीट जो होगी वो आपको मैम देंगी क्लास 7, और अगर आपको अपने राइट्स को और डिटेल में पढ़ना बेटा, तो आप अपने बुक्स में से रीड आउट कर सकते हो इनको, ठीक है।